नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे नहीं होंगे बुरी तरह प्रभावित, स्वास्थ्य मंत्रालय ने थर्ड वेव को लेकर दी यह जानकारी। पटना पुलिस अब हुई हाईटेक, खास तरह के कलर कोड वाली बाइक से किया लैस, जानिए क्या है विशेषताएं। बिहार में अब नहीं लगेगा एक भी रुपया, लोगों को फ्री में मिलेगा जमीन का नक्शा। बिहार में बिजनेस के लिए बिना ब्याज पाए 10 लाख तक लोन, चुकाना होगा केवल 5 लाख, यहां से करें आवेदन। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से कहा कोरोना काल में मौत का आंकड़ा सार्वजनिक करे, 24 घंटे का दिया वक्त। बिहार डिस्ट्रिक्ट PRO भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर शुरू, 5 जुलाई तक करें आवेदन। बड़ी खुशखबरी, बिहार मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में फेल हुए सब स्टूडेंट पास, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। ANM के 80 पदों पर 3 महीने के लिए हो रही है बहाली, भारी भीड़ के कारण मची अफरा तफरी, कोरोना गाइडलाइन की भी उड़ी धज्जियां। कोरोना थमने के साथ चुनावी आहट, सितंबर में पंचायत चुनाव होने की उम्मीद। लगातार बारिश से उफान पर बिहार की नदियां, गंडक खतरे के निशान से ऊपर, जानिए ताजा हाल। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे बुरी तरह प्रभावित होंगे यह कहना सही नहीं है, क्योंकि सीरो सर्वे में यह बात सामने आई है कि सभी आयु वर्ग के लोगों में सीरो पॉजिटिविटी एक समान है। बावजूद इसके सरकार तीसरे वेव से निपटने में कोई कोताही नहीं बरत रही है। उक्त बातें स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में और 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों में सीरो पॉजिटिविटी दर 67% और 59% है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पाल ने कहा है कि वैक्सीनेशन के बाद लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 75 से 80% कम हो जाती है। ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत 8% होती है, वहीं ICU में भर्ती होने की नौबत मात्र 6% लोगों को होती है। पटना पुलिस अब नए स्वरूप में नजर आएगी। पुलिस मुख्यालय ने अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए अपने पुलिस कर्मियों को 17 नई अपाची बाइक उपलब्ध कराया है। इन बाइकों की विशेष कलर कोड में तैयार किया गया है, जो दूसरे बाइक से अलग नजर आएगी। राजधानी पटना के नवीन पुलिस केंद्र से SSP पटना उपेंद्र कुमार शर्मा ने इन बाइकों की चाबी पुलिस कर्मियों को सौंपी। इस दौरान उन्होंने बाइक के दूसरे विशेषताओं के बारे में भी जानकारी दी। SSP उपेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस को समय समय पर बाइक उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन देखा जा रहा था कि जिस कलर की बाइक पुलिस कर्मियों को दी गई थी उसी कलर की कई गाड़ियां सड़क पर नजर आती है। अगर किसी जगह पुलिस की बाइक खड़ी भी हो तो यह पता नहीं चल पाता था कि वहां कोई पुलिसकर्मी मौजूद है। इस समस्या को दूर करने के लिए इस बार विशेष कलर कोड वाली बाइक तैयार कराई गई है, जो कहीं भी खड़ी होगी तो बाकी से अलग नजर आएगी। लोगों को पता चल जाएगी पास में ही किसी प्रकार की सहायता के लिए पुलिस मौजूद है। उन्होंने बताया कि इन बाइकों को पीले और सफेद रंग के कलर कोड में तैयार कराया गया है। SSP ने बताया कि इन बाइकों को न सिर्फ मेट्रो शहरों की तरह विशेष कलर कोड में तैयार किया गया है, बल्कि इसमें व्हीकल लाइट अलार्म के साथ ट्रैफिक कंट्रोल के लिए माइकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इस दौरान उन्होंने बताया कि जल्द ही पुलिस कर्मियों को बॉडी कैमरे से भी लैस करने की तैयारी हो रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के डिजिटल मैप प्लॉटर मशीन से प्रति नक्शा 150 रुपए लिए जाते थे। विभाग के इस बड़े कदम के बाद अब एक भी रुपया नहीं देना होगा, क्योंकि यह सेवा बिल्कुल मुफ्त हो गई है। विभाग के निदेशक ने बताया है कि भूमि सुधार विभाग के आधिकारिक वेबसाइट irc.bihar.nic.in के अलावा dlrs.bihar.gov.in पर एक नई वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। इस वेबसाइट में सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सभी प्रपत्र भी अपलोड है, खासकर संबंधित प्रपत्र 2, जिसमें रैयत को अपने जमीन का ब्यौरा भरकर शिविर प्रभारी को देना है, और प्रपत्र 3, जिसमें वंशावली का फॉर्मेट है। पटना में आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के SDM और भूमि सुधार अप समाहर्ता को सर्वेक्षण प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। सरदार पटेल भवन में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित की गई थी। बिहार में औद्योगिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अब तक की सबसे खास योजना लॉन्च की है। इस योजना में बगैर किसी ब्याज के उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक लोन मिल सकेगा। और तो और, इस योजना में लोन का आधा हिस्सा ही, यानी केवल 5 लाख रुपए ही चुकाना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का आरंभ किया। इन योजनाओं के लिए आवेदन किए जाने को बने पोर्टल को भी उन्होंने लॉन्च किया। इन योजनाओं के तहत उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए सरकार उपलब्ध कराएगी, जिसमें 5 लाख रुपए का अनुदान होगा। इसके अलावा 5 लाख रुपए के ऋण पर महिलाओं को ब्याज नहीं लगेगा, जबकि युवा उद्यमियों को 1% का ब्याज देना होगा।
बिहार में कोरोना काल के दौरान हुई मृत्यु के आंकड़े आम जनता को उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सरकार पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने कहा है कि जन्म मृत्यु से संबंधित आंकड़ों के बारे में जानना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि जन्म मृत्यु से जुड़ी सभी आंकड़े डिजिटल पोर्टल के जरिए नागरिकों को उपलब्ध हो सके। अदालत ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोरोना काल में हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़ों को सरकार सार्वजनिक करने की इच्छुक नहीं है। आज के दौर में जब केंद्र एवं राज्य सरकार डिजिटल इंडिया के प्रमुख कार्यक्रम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो सरकार का कर्तव्य है कि राज्य की 10 करोड़ से अधिक जनता को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोरोना काल में हुई लोगों की मौत का सही संख्या उजागर करे। यह इसलिए भी जरूरी है कि मृतक के स्वजनों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। बिहार डिस्ट्रिक्ट पीआरओ भर्ती 2021 के लिए आवेदन से वंचित रह गए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू की है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा विज्ञापित पदों के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा की तिथियों के फिर से निर्धारण के चलते बीपीएससी ने डिस्ट्रिक्ट पीआरओ भर्ती 2021 के लिए एप्लीकेशन विंडो फिर से ओपन की है। बीपीएससी ने डिस्ट्रिक्ट पीआरओ भर्ती 2021 के लिए जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों के लिए वे ही उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से स्नातक या समकक्ष डिग्री प्राप्त की हो। कोरोना काल में बिहार के मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में फेल हुए छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए एग्जाम में फेल हुए परीक्षार्थियों को पास करने का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ऐलान किया है कि सरकार इस बार कोरोना के कारण कंपार्टमेंटल परीक्षा कराने में सक्षम नहीं है, इसीलिए फेल हुए छात्र छात्राओं को ग्रेस मार्क्स देकर पास करने का फैसला लिया गया है। शुक्रवार को बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में फेल हुए छात्र छात्राओं के लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन होना था, लेकिन कोरोना के कारण अगले 2-3 महीने में भी कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन कराना संभव नहीं है। अगर 2-3 महीने बाद कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन किया भी जाता है तो परीक्षा फल का प्रकाशन अक्टूबर नवंबर के पहले संभव नहीं हो पाएगा, इसीलिए परीक्षार्थियों को इस परीक्षा में पास होने का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। बिहार में बेरोजगारी का क्या आलम है इसका नजारा बिहार शरीफ में शुक्रवार को देखने को मिला। इन दिनों यहां एएनएम की बहाली चल रही है, जहां महज 3 महीने की नौकरी के लिए रोजाना हजारों की भीड़ उमड़ रही है। हैरानी की बात है कि 80 पदों के लिए निकाली गई बहाली के लिए हजारों महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है। भीड़ ऐसी है कि इस दौरान 2 गज की दूरी का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। यहां कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। बिहार शरीफ के डीआरसीसी भवन में जहां इन दिनों एएनएम की बहाली चल रही है, बिहार के हर कोने से महिला अभ्यर्थी नौकरी की चाह में यहां पहुंच रही है। भले ही यह नौकरी महज 3 महीने के लिए हो, लेकिन हर किसी को नौकरी की जरूरत है। एएनएम के 80 पदों के लिए यहां भारी संख्या में महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। भीड़ इतनी अधिक थी कि फॉर्म जमा करने के दौरान कई महिलाएं बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसके बाद डीआरसीसी भवन में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान किसी तरह की व्यवस्था नहीं रहने के कारण अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा मचाया। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थियों को शांत कराया। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद अब पंचायत चुनाव की आहट देखने को मिल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में अगले 2 महीने के बाद पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सूबे में सितंबर महीने के अंदर पंचायत चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने दूसरे प्रदेशों से M2 मॉडल के EVM मंगाने का फैसला किया है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग के पास अपना भी EVM है, ऐसे में जरूरत को ध्यान में रखकर ही आयोग EVM मंगा सकता है। इसके लिए दूसरे राज्यों से EVM उपलब्ध कराने को लेकर पत्र भी लिखे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग सितंबर में पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी कर सकता है। वहीं चुनाव आयोग ने बाढ़ को ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखा है, इसमें बाढ़ प्रभावित जिलों से लेकर प्रखंड और पंचायतों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गई है। यदि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का कोई असर नहीं दिखता है तो आयोग की रणनीति सितंबर तक चुनाव संपन्न कराने की है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश से गंडक,
कमला बलान, कोसी सहित अन्य नदियां उफान पर है। वहीं गंडक नदी का जलस्तर बुधवार के बाद गुरुवार को भी गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट के खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया। वहां खतरे का निशान 62.22 मीटर है, जबकि इसका जलस्तर 62.80 मीटर था। इससे जलस्तर में बढ़ोतरी के संकेत हैं। जल संसाधन विभाग लगातार बाढ़ से सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहा है। विभाग ने अपने सभी बांधों को सुरक्षित बताया है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार राजधानी पटना सहित अन्य स्थानों पर गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही पटना के श्रीपालपुर में पुनपुन नदी में बढ़ोतरी के संकेत है। गंगा का जलस्तर बक्सर में खतरे के निशान से करीब 10 मीटर नीचे है। पटना के दीघा घाट पर करीब 5 मीटर, गांधी घाट पर करीब 4 मीटर, हाथीदाह में करीब 5 मीटर, मुंगेर में करीब 8 मीटर, भागलपुर में करीब 7 मीटर, कहलगांव और साहेबगंज में करीब 5-5 मीटर नीचे था। इससे बढ़ोतरी के संकेत हैं। बिहार में मॉनसून के प्रवेश के साथ ही तेज बारिशों का दौर शुरू हो गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों के पास बने विशेष चक्रवाती सिस्टम के कारण कई इलाकों में भीषण बारिश जारी है। वहीं नेपाल में हो रही तेज बारिश का असर भी बिहार पर पड़ा है। सुबह के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।